इसमें लगा है गाजियाबाद का वेब सेवन लोकोमोटिव, पीछे से आ रही है वाराणसी वंदे भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं एक इंसाइड ब्लॉग चैनल। दोस्तों अभी मैं हूँ लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में और आम जर्नी करने वाले हैं गोमती एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 12419। और इस ट्रेन के बारे में बात करूँ तो यह ट्रेन जो यहाँ से निकलने का टाइम है लखनऊ से वो है 5:45 और नई दिल्ली पहुँचने का समय है 3:03। लेकिन अभी लगभग डेढ़ घंटे से इसको जो टाइमिंग है इसको रिशेड्यूल कर दिया गया है रेलवे की तरफ से और अभी लगभग 7 बज रहे हैं। और अगर मैं इस ट्रेन की स्पीड के बारे में बात करूँ तो जो इसका रन रहने वाला है यहाँ से लखनऊ से लेकर कानपुर के बीच में जो इसका रन रहेगा वो रहेगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा। कानपुर से नई दिल्ली के बीच में जो इसका रन रहेगा 130 km/h। अगर मैं इस ट्रेन के ऑपरेटिंग स्पीड के बारे में बात करूँ तो इसका पूरे रूट पे 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की इसका पूरा ऑपरेटिंग स्पीड रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पे हमारे ट्रेन का डिपार्चर लगभग 7:30 हमारा यहाँ पर डिपार्चर दिया है लखनऊ ने और लगभग ट्रेन लगभग 1.5 घंटे यहाँ पर लेट हो चुकी है। तुम भी टेस्ट करो। हाँ स्वाद एक नंबर है। हाँ बढ़िया। बस तो आप जब भी इस रूट पर ट्रेवल कर रहे हैं तो आप यहाँ उन्नाव के जो समोसे हैं उसको ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छा टेस्ट मिलेगा। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन और अगर मैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन के बारे में बात करूँ तो यह 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है पूरे भारत में इंडियन रेलवे के नेटवर्क में, जिसमें से अपना एक कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। दूसरा सेंट्रल रेलवे स्टेशन है मुंबई, तीसरा है चेन्नई सेंट्रल, चौथा है त्रिवेंद्रम सेंट्रल और पाँचवा आपको कमेंट करके बताना है वह कौन सा स्टेशन है। अगर मैं कानपुर सेंट्रल के बारे में बात करूँ तो यहाँ से आप बीना के लिए भोपाल की आप यहाँ से लाइन गई है, आप उस तरह भी बढ़ सकते हैं। एक लाइन जिस तरह से भी हम आ रहे हैं लखनऊ की तरफ से, एक लाइन जिस लाइन से भी हम बढ़ने वाले हैं दिल्ली की तरफ और जिसे हम दिल्ली हावड़ा मेन लाइन भी करते हैं। और तो दोस्तों अगर मैं कानपुर सेंट्रल में खाने पीने के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्नैक आइटम तो आपको स्टॉल मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको यहाँ पे आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं फूड को, ई कैटरिंग के थ्रू आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तमाम आपको यहाँ पे वेंडर्स हैं, बाकी आप फल फ्रूट वगैरह आप यहाँ पर खरीद कर उसको भी खा सकते हैं तो आपके सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी मेरे पीछे आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस, लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे है अभी यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस, वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। अब देखते हैं उसका ओवरटेक कहाँ पर होता है, तो जो उसका ओवरटेक होगा हम आपको दिखाएँगे पूरा, तो बने रहिए वीडियो में।
दोस्तों हमारी ट्रेन को अभी यहाँ पनकी धाम में ही अभी रोक के रखा है। उसका कारण है पीछे से आ रही है वाराणसी वंदे भारत ओवरटेक। तो आइए दिखा दें आपको उसका जोरदार ओवरटेक। उसका कारण है जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पीछे से आ रही है वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस जो हमें जोरदार ओवरटेक करने के लिए आ रही है। तो आपको दिखाते हैं जोरदार ओवरटेक वंदे भारत एक्सप्रेस का। ऑपरेटिंग स्पीड 130 के एमपीएच अप्रॉक्स चल रही है कंटिन्यू। तो दोस्तों लगभग 2.5 घंटे की देरी से अभी हम आ चुके हैं इटावा जंक्शन। इटावा जंक्शन को जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आगरा की तरफ गई है, इसलिए एक जंक्शन स्टेशन है। अगर स्टेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लोकल वेंडर हैं जो आपको यहाँ पे चाय और स्नैक्स आइटम आपको यहाँ पर आसानी से अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी चलिए दिखाते हैं इटावा से आपको यहाँ से डिपार्चर। सामने से ट्रेन पास हो रही है टाटा नगर जम्मू एक्सप्रेस। दो घंटे की देरी से हम अभी आ चुके हैं टुंडला जंक्शन। और टुंडला जंक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ से एक लाइन आगरा तरफ गई है जो कि आगरा निकल जाती है भरतपुर होते हुए। और टुंडला जंक्शन भारतीय रेलवे के लिए एक टेक्निकल हॉल्ट स्टेशन है। अभी यहाँ से जो क्रू होते हैं चेंज होते हैं। अगर मैं इस ट्रेन यहाँ पे खाने पीने के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, स्नैक आइटम चाय वगैरह आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। हम आ चुके हैं खुर्जा जंक्शन। अगर खुर्जा जंक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ से एक लाइन मेरठ सिटी की तरफ गई है, इसलिए खुर्जा को जंक्शन बोला जाता है। बाकी हमारी ट्रेन अभी लेट है 2.5 घंटे। बाकी देखते हैं कि गाजियाबाद कब पहुँचते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इसके बीच में खुर्जा जंक्शन से और गाजियाबाद में कोई भी इसका स्टॉपेज नहीं है। तो दोस्तों लगभग 2 घंटे की देरी से हम आ चुके हैं गाजियाबाद जंक्शन। और अगर मैं इस ट्रेन की जर्नी के बारे में बात करूँ तो लखनऊ से लेकर गाजियाबाद के बीच में इस ट्रेन का रन सही था। और सुबह से ही ट्रेन लगभग 1.5 घंटे रिशेड्यूल्ड हो गई थी, 1.5 घंटे लेट लखनऊ जंक्शन से ही निकली थी। बाकी इस ट्रेन में साफ़ सफाई के बारे में बात करूँ तो साफ़ सफाई ओके थी। और बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ये ट्रेन निकल रही है नई दिल्ली के लिए और इसका डिपार्चर हो रहा है गाजियाबाद जंक्शन से।